अभी काफी जरा गप्पी मार रहे हैं लोग बैठा मणिनाग मंदिर प्रवेश द्वार। तो हम लोग सोचा कि भाई आप लोगों को मणिनाग मंदिर भी दिखाते हैं ऊपर जाके, उसके लिए अपना गाड़ी यहाँ पे छोड़ दिया पार्किंग में। भाई रोड तो बिल्कुल खतरनाक है, एक्चुअली खुद का गाड़ी लाना मैं खुद बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है। दस मिनट के बाद एक स्टॉप हो रहा है मेरा, तो पहुंचे के कब। तो यहाँ गए पानीपुरी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का सीन ऐसा कि सब नहा धो के सुबह सुबह तैयार हो गए और जा रहे हैं रास्ते पे। अभी टाइम बज रहा कुछ 10:30 एंड अभी मेरा जो छोटा सिस्टर थी अपने पास अभी, तो वो ससुराल नयागढ़ है, तो हम लोग जा रहे हैं उसको ड्रॉप करने। वो जीजा अपना पीछे बैठे हुए हैं आलोक जी, तो वो भी इनका आज ड्यूटी ज्वाइनिंग है, तो वो भी आज चले जाएंगे रात को वहाँ से। तो ड्यूटी जिस दिन जाना है वो तो टेंशन होता है भाई सब हर आदमी को। तो ये बहन और बेटा सब बैठे हुए पीछे, हेलो से हेलो, और सामने बैठी आ जा रहे, वाह क्या स्माइल, हेलो हाय बाय। ये नटखटा नटखटा है, ये नटखटा बन जाए ना। बारिश था अभी बीच में थोड़ा सा बंद है 100 मीटर वापस, आई थिंक आगे भी भीगा हुआ दिख रहा है रोड। बारिश शुरुआत हो गया, तो बारिश हो गया तो अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग रहते हैं दुबई में तो डेजर्ट है, तो ये सब देखने के बाद ना तो चेहरे में कुछ खुशी ना ऑटोमेटिक आ जाता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो हर मोमेंट कैप्चर करने के लिए इच्छा होता है, बट इतना लंबा वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा आप लोग, तो उसके लिए छोटा छोटा बना दें उसको। अगर गाइस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन भी आ जाएगा। अभी काफ़ी जरा गप्पी मार रहे हैं लोग बैठ के। अभी मैं चांदपुर से बाएं तरफ बैठा, ये रणपुर वाला रोड है, 2-3 रास्ता है नागढ़ जाने के लिए एक्चुअली, भाया खुर्दा भाया चांदपुर भाया रणपुर करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घूम चुका अभी रणपुर वाला रोड, तो ये रोड है अभी, हाँ खल जाए जरा। ये देखे जो सामने ऊपर दिख रहा है ना मंदिर, तो ये रास्ता यहाँ से बाएं तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली मैंने मेरा ड्रोन लाया नहीं है, बट चलो ऊपर जाके व्यू पॉइंट भी अच्छा मिलेगा, मंदिर के दर्शन भी हो जाएगा। ये उसका गेट एंट्री के लिए मणिनाग मंदिर, उड़िया में लिखा हुआ है माँ मणिनाग मंदिर प्रवेश द्वार। चलो चलते ऊपर, अभी यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। ये माता जी का जो एंट्री गेट है, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे पूरा माउंटेन के ऊपर, यार काफी ऊपर दिख रहा है, तो देखते हैं। पहली बार जा रहा हूँ ऐसे रास्ते में, जाते जाते सब लोग बोले कि चलो ऊपर चलते, तो जाते दिखाते हैं आप लोगों को। प्लान नहीं था पर सडन प्लान बना है, तो लेट्स सी। पता नहीं गाड़ी जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम लोग चलते हैं आगे। टिकट में लिखा हुआ था कि गाड़ी मना है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गाड़ी जा रहा है, शायद ये रास्ता भी रहेगा। यहाँ से एक्चुअली मैं पूछा वहाँ पे दूसरा रास्ता था, बट वहाँ अभी लैंडस्लाइड काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए कोई गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ, शार्प टर्न वगैरह है, तो वो लोग नहीं छोड़ रहे, तो बोलते हैं उनका लोकल गाड़ी है उसमें सिर्फ जाते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का स्टैचू भी है दोनों, चलो यहीं पर देख के चलते जय बजरंग माली। तो अपना खुद का गाड़ी लेने के लिए मना कर रहे हैं, तो शायद ऊपर नहीं जाएंगे, तो इधर से वापस चलते हैं हम लोग नयागढ़। और जगह तो बहुत बेहतरीन दिख रहा है, ऊपर भी व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग सोचा कि भाई आप लोगों को मणिनाग मंदिर भी दिखाते हैं ऊपर जाके, उसके लिए अपना गाड़ी यहाँ पे छोड़ दिया पार्किंग में। नहीं नहीं हाँ
लोकल ड्राइवर ही लेके जाएंगे, लोकल गाड़ी भी लेके जाएंगे। तो ये वाला गाड़ी में हम लोग बैठ के ऊपर जाएंगे अभी। लेट्स सी, चलो ये टेम्पो में जाएंगे। सर रेडी? सेम बॉयस में नहीं बुरी होगी। हर एक दिन मार ले मां से दिवस में बुरी है। ठीक है, तो ये दिन नरबली खान दे मां। अच्छा अच्छा, ये देखिए कितना शार्प टर्न यहाँ पे। भाई रोड तो बिल्कुल खतरनाक है। एक्चुअली खुद का गाड़ी लाना, मैं खुद बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एक टर्न ऐसा है कि बड़ा गाड़ी घूमना मुश्किल है यार, बिल्कुल घूमना मुश्किल है यार। मैं तो ड्रोन को मिस किया आज, आज कुछ प्लान नहीं था यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ सिस्टर को छोड़ के आना था। तो मैं लगी ये देखिए व्यू कैसा है। अरे गिल्लू तो पैंट खोज रहा नहीं पछाड़ू। चलो ये माता दी का मंदिर है, ऊपर ऊपर थोड़ा जाके आते हैं। यार एरियल व्यू इतना अच्छा था, मैंने मिस कर रहा हूँ मेरा ड्रोन को। क्या करूं? Yeah, I never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Whenever hit CS, snooze on you. Always trying to show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything about you. Let me be real for a second, you a little crazy. You a hundred at will, you got that booty up built. No competition, nil, got me sweating like... ये भाई लोग भी यहाँ पे हैं। देखो भाई एक दूसरे के जुआ देख रहे हैं। और यहाँ गाड़ी पे आओगे तो माँ का मंदिर ताला गिरता रहता है, तो ये ताला का चाबी दिया ड्राइवर ने खोल के माता दी का दर्शन करने के लिए। ये माँ का मालो माता जी का दर्शन हो गया। तू आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं आगे बैठा हूँ। चलो भाई अभी माता जी का दर्शन हो गया, अभी निकलते हैं आगे वापसी। वापसी जाने के लिए मैं दिखाता हूँ रोड कैसा है, अगर कैमरा में कैप्चर हुआ सही से तो। चलो यहाँ पे रुका फोटो के लिए। चलो फोटो निकालो, फोटो निकालो। बिल्कुल भी से
कथा बोलियो हम कथा बोलना पड़े few moments later tabhi raste mein aur ek stop 10 minute ke baad ek stop ho raha hai mera to pahunchega kab to yahan gaye pani puri puchka pani puri ko kya kya bol raha kaisa hai are au divan ko bhi pani puri pasand hai acha acha lag raha भालियाडी मेरा गांव आई थिंक और कुछ 12-15 किलोमीटर यहाँ से है। अभी जस्ट बारिश खत्म हुआ है उसके लिए जो रोड है जो तो ट्रीज देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है आफ्टर रेन इफेक्ट। तो ये वाला था मेरा घर, हम लोग बेच दिया था, अभी कोई दूसरा घर बना लिया ऑलरेडी। नहीं तो ये था अपना विलेज जो पापा की विलेज हम लोग जो पैदा यहाँ तो यहाँ पे जो घर था ये यहाँ पे हम लोग जो क्या बोलते हैं हम लोग का जो फसल मेंटेन करता है इनको खेती दिया गया तो ये खेती बाड़ी करते हैं जो भी मिलता है ना उसमें फसल तो उसमें से आधा हमको देते हैं और आधा वो खुद रखते हैं ऐसा है। तो अपना जो खेती आगे है अभी वो जो आदमी जा रहा है ना वो मेंटेन भी करते हैं ना उसको तो दिमाग चला हम देखते हैं अपना खेती कैसे वो दिखाए कौन सा कहती मैंने देखा था एक बार बट याद नहीं अभी एक बार आपको दिखा था हम लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। कुछ चबा रहे हैं जो दाल दिए थे ना मूंग दाल। अच्छा वो चबा रहे वो टेस्ट कर रहे हैं। हाँ वो मूंग दाल मिला था ना मेरा खेती का ये मूंग दाल ये खेती से निकला है तो भाई खेत है अपनी। तो ये वाला बिल्कुल ये रोड है ना ये रोड के नजदीक में है ये वाला वो वाला ये वाला वो वाला और वो वहाँ बह गए आदमी पांच खेती है भाई जो हमला जो केयर टेकर है वो खेती का पूरा केयर टेकर करते हैं उनके पापा लिए थे अभी वो बेटा है वो कर रहे हैं। फाइनली नयागढ़ में पहुँच चुके हैं आने के लिए लंच यहाँ पे एक फैमिली रेस्टोरेंट है सिग्नेचर तो मेरा सिस्टर बोला कि यहाँ पे अच्छा है वो लोग खाने आते हैं यहाँ पे ये नज़दीक है उनका घर से तो यहाँ पे चलते अभी खाना पीना खाते चलो अभी बिरयानी मंगाया था बोलना चिकन बिरयानी फिश अरे हंगरी लॉलीपॉप पूरा काला हो गया। खाना बहुत अच्छा था सबका प्लान खत्म ऑलमोस्ट तो जाए भाई खत्म।
तो भाई अभी खाना हो गया, लंच खत्म, 4 बज गया, लेट लंच। तो कैसे था लंच भाई, खाना अच्छा। खाना का प्रिपरेशन कैसे था? अच्छा था ना, यम्मी था। चलो एक्सीलेंट, तो सबको खाना अच्छा लगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी घर पे, वापस भी जाना है आज मेरे को, तो जल्दी जल्दी रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। फिर आके पहुंच गए सिस्टर के घर। ये भी खेती के अंदर है, ये छोटा सा रास्ता है, नयागढ़ से 2 किलोमीटर पीछे है। हाँ घर पे भाई, ये चाय ऐसे पीते थे हम लोग, चाय ऐसे डाल के ना ये प्लेट में। ये जल्दी ठंडा होगा करके इसे पीते थे पहले, कॉपलेट इसके लिए यूज होगा। So, भाई अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे एक दोस्त के घर पे, दोस्त क्या भाई है अपने यहाँ पे लिपू भाई, तो ये है उनकी भाभी जी, तो ये बेटी, हेलो श्रेय, इसका नाम श्रेयांशी है, जो कि मेरा बेटे का नाम भी श्रेयांशी पटनायक, ये भी श्रेयांशी पटनायक, तो दोनों का अच्छा दोस्त जम जाएगा आज। चल तो यहाँ पे बैठे हुए अभी, अभी बज रहा है टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहा है, अभी निकलेंगे, सो लेट्स गो, चलते इनको भी निकलना है, 9 बजे इनको निकलना है, 10 बजे अपनी ड्यूटी पे, ये परेशान है अभी भाई साहब 10 बजे। हाँ इनको भी अपना ड्यूटी के लिए 9 बजे निकलना है, ये भी 10 बजे निकलना है, और मैं भी निकलना है घर पे, अभी 100 किलोमीटर वापस जाना है, अभी चलते हैं। तो अच्छी अच्छी और तो अच्छी मंत्र से सो अभी वापस जा रहे हैं हम लोग नयागढ़ से, ये नयागढ़ सिटी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है, यहाँ से आगे जाके फिर हम लोग को रामपुर वाला रोड पकड़ना है। भाई अभी बज रहा है टाइम करीब 9:40, तो हम लोग अभी अपना ये कौन सा एरिया है, मेरे ख्याल से चंडेश्वर या नाचुनी एरिया है, वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए, और घर मेरा कुछ अराउंड 20 या less than 20 किलोमीटर से। अच्छा रहा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाएंगे और मेरा मेमोरी के लिए रखूंगा, और फिर आप लोग के साथ शेयर भी हो जाएगा, तो चैनल में बने रहिए, आगे आगे और क्या क्या वीडियो आएगा देखने के लिए। आज भाई वो अच्छा जगह था जो मणिनाग मंदिर या टेम्पल गया था, मैं ड्रोन नहीं लिया था, बहुत रिग्रेट किया, बहुत बहुत बेहतरीन व्यू था, तो मोबाइल में जो रिकॉर्ड हुआ वो तो देखा आप लोग ने। सो लेट्स सी, अभी कल का प्रोग्राम दूसरा कुछ है बन रहा है, लेट्स सी, शायद पूरी जगन्नाथ टेम्पल वगैरह जाने का चांसेस है, तो कल की प्रॉब फिर देखेंगे क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है सीन। सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।